देश में जब महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल सुर्खियां बटोर रही हैं, उसी बीच बिहार में आज एक खास कार्यक्रम हो रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बायोग्राफी पटना में रिलीज हुई है, जिसका नाम अतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार है। इस किताब का विमोचन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने किया। बता दें, इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखे हमले बोले। लालू यादव ने कहा कि हमारा देश टूट रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो डाका डाल रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात नहीं हो रही है लेकिन संविधान पर हमला किया जा रहा है। लालू यादव ने बताया कि नीतीश और मैं काफ़ी वक्त तक साथ में रहे, हम दोनों दिल्ली सरकार में भी रहे, बिहार में भी साथ मिलकर काम किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं लेकिन उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, वो हर रोज विधायक खरीद रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कहा, देश में इस वक्त लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है लेकिन हम लोग इसका एकजुट होकर सामना करेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव का केंद्र सरकार पर यह हमला उस वक्त आया जब महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के बाद बिहार का घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहा है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने बताया कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि बिहार में भी लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है लेकिन हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, बिहार कभी हिलता डुलता नहीं है। कार्यक्रम से पहले लालू प्रसाद यादव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वह देश के बड़े नेता है, वह एक ताकत है जिन्हें हिलाने की कोशिश हुई है। क्या कुछ बोल रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। एमपी को बिहार में से निकालो, बिहार कहाँ हिलता बनता है बोलेगा, और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एनसीपी के कुछ विधायकों को लेकर शिंदे सरकार को ज्वाइन कर लिया है। अजीत पवार सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं जबकि एनसीपी के 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में अब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में हुई इस घटना के बाद से ही देश में राजनीतिक माहौल गर्माया है, जिसके बाद बिहार में भी बयानबाजी का दौर चल रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।